इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के कोलंबो समेत कई जगह धमाके हुए हैं, चर्च को निशाना बनाकर धमाके किए गए हैं, 6 जगह धमाके किए गए, 80 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। एक धमाका कोलंबो पोर्ट के कोचीकड़े चर्च में हुआ है, दूसरा हमला पुत्तलम के पास सेंट सेबेस्टियन चर्च के अंदर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, चर्च को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया, 80 लोगों से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने निकल के आ रही। श्रीलंका के कई चर्च जो हैं और कई जगह जो हैं वहां पर ये सिलसिलेवार धमाके हुए, कोलंबो में भी ये धमाके हुए, चर्च को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन 80 लोग हैं जो कि घायल बताए गए हैं इस ब्लास्ट में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चर्च की जो पूरी छत है वो उखड़ गई है यहाँ पर इन धमाकों से, और चर्च को निशाना बनाया गया यहाँ पर, निशाना बनाकर ये धमाके किए गए, 80 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। सील ब्लास्ट में 80 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। श्रीलंका के कोलंबो समेत कई जगह इन धमाकों को अंजाम दिया गया है और चर्च को निशाना बनाया गया है, 6 जगह ये धमाके कराए गए हैं, 80 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चर्च की जो पूरी छत है, जो बेंचेस हैं, वो इस धमाके में तहस नहस नजर आ रहे हैं। नसील ब्लास्ट से श्रीलंका दहल गया है, 6 धमाकों में 80 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। चर्च को खासकर निशाना बनाया गया है इसमें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये धमाके होने के बाद जो नुकसान है वो नजर आ रहा है। तो श्रीलंका के कोलंबो में ये धमाके हुए हैं, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। घायलों को उपचार के लिए भी यहाँ पर से ले जाया गया है, जो वहां का प्रशासन है वो फौरन यहाँ पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में मदद जो है वो दी जा रही है ताकि लोग यहाँ पर से जल्द बाहर निकाले जा सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। 80 लोग तकरीबन बताए गए हैं जो कि इसमें घायल हुए हैं। तो 6 धमाके ये हुए हैं, तो 6 धमाके ये हुए हैं सिलसिलेवार। आपको बता दें 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए हैं। फिलहाल सभी को फटाफट राहत देने की कोशिश की जा रही है, उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। वहां का जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा हुआ है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ जो है लोगों की वो जुट गई है, क्योंकि कुछ लोगों के परिजन भी होंगे। इसके चलते लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी जहां पर ये ब्लास्ट हुए हैं वहां पर शुरू हो चुका है, और राहत का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। लोगों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला जो है वो भी यहां पर से अब शुरू हो गया। प्रशासन की तरफ से मदद देने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है, और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं चर्च में धमाका हुआ है, और ऐसे में चर्च की जो पूरी छत है वो उखड़ गई है, और बेंचेस जो है वो भी टूट चुके हैं। तो सिलसिलेवार ये धमाके किए गए हैं, और 6 धमाके यहां पर हुए हैं जिसमें 80 लोग घायल बताए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि एक धमाका कोलंबो पोर्ट के कोचीकड़े चर्च में हुआ है, और वहीं दूसरे हमले की अगर बात कर ली जाए तो पुत्तलम के पास सेंट सेबेस्टियन चर्च के अंदर ये धमाका हुआ है। और सिर्फ 2 धमाके नहीं बल्कि 6 धमाके यहाँ पर कराए गए हैं, जिनमें 2 धमाके चर्च में हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि चर्च को निशाना बनाते हुए यहाँ पर ये धमाके कराए गए हैं, 80 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का हाल फिलहाल अभी श्रीलंका में है, कोलंबो में है, जहां पर ये धमाके कराए गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये धमाके हुए हैं, और किस तरीके से हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं। राहत फौरन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो लोग हैं वो भी बाहर नजर आ रहे हैं जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और चर्च को खासकर निशाना बनाया गया है यहाँ पर, 80 लोग जो है वो उसमें घायल बताए गए हैं, और सिलसिलेवार 6 धमाके यहाँ पर किए गए हैं, और इन 6 धमाकों में 80 लोग अभी तक घायल बताए गए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल किस तरीके से राहत का काम यहाँ चल रहा है, और कैसी
परिस्थितियां फिलहाल यहां पर नजर आ रही हैं धमाकों के बाद। और तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई, किस तरीके से चर्च की जो छत है वो पूरी की पूरी उखड़ चुकी है, बेंचेस जो यहां पर लगे हुए थे वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। और अब जो प्रशासन है यहाँ का, वो प्रशासन फौरी तौर पर काम कर रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर से बाहर निकाला जा सके, जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको तुरंत उपचार यहाँ पर दिया जा सके ताकि जनहानि से कम यहाँ पर बचाया जा सके। हालांकि अभी घायल होने की खबर यहाँ पर आई है, लेकिन अब एम्बुलेंसेस जो है वो भी लगा दी गई है मौके पर, जो प्रशासन है वो भी पहुंच चुका है और राहत का काम जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और दो तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कैसी स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं उसकी ये तस्वीर है। तो ईस्टर पर्व पर श्रीलंका में धमाके हुए हैं और खासकर चर्च को निशाना बनाया गया है, दो चर्च जो हैं उनमें धमाके हुए हैं। इसके अलावा छह धमाके कुल तकरीबन यहाँ पर हुए हैं और इन छह धमाकों में 80 लोग तकरीबन घायल बताए गए हैं। फिलहाल प्रशासन जो है वो मुश्तैदी से लग चुका है काम में ताकि जो लोग हैं उनको फटाफट अस्पताल पहुंचाया जा सके और जितनी जल्दी उन्हें मदद दी जा सके उतनी जल्दी उनको मदद देकर अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको उपचार दिया जाए। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पर ये धमाके हुए और उसके बाद चर्च जो है उसका हाल किस तरीके का है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दो चर्चों समेत यहाँ पर ये धमाके किए गए हैं, छह धमाके तकरीबन यहाँ पर हुए हैं और चर्च और होटल समेत कुल ये छह धमाके हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ रही है कि इन धमाकों में दो होटल और दो चर्चों को खासकर निशाना बनाया गया। और जो मौजूदा प्रशासन है यहाँ का स्थानीय, उनका ये भी कहना है कि उनकी टीम के लोग इसमें हुए नुकसान के बारे में जानकारी लगातार अब इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कोलंबो के नेशनल हॉस्पिटल का ये कहना है कि इन धमाकों में कम से कम 80 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। धमाका उस समय हुआ जब ईस्टर की प्रार्थना के लिए लोग चर्च में एकत्रित हुए, यानी कि मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान यहाँ पर पहुंचे। ईस्टर के पर्व के मौके पर जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करने के लिए चर्च में यहाँ पर मौजूद थे उस समय इन धमाकों को अंजाम दिया गया। और उसके बाद अब जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पर से अस्पताल पहुंचाया जा सके। हालांकि ये भी कहना है पुलिस का कि अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है कि कितने लोग जो है इसमें हताहत हुए हैं। हालांकि 80 लोगों की बात हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर सामने आई है, हालांकि आंकड़ा बढ़ेगा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 6 ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं सिलसिलेवार, इसमें दो होटल को भी निशाना बनाया गया, दो चर्च भी हैं जिनको निशाना बनाया गया, खासकर चर्च को निशाना बनाया गया। और ईस्टर पर्व पर जब ज्यादा लोग प्रेयर के लिए यहाँ पर अंदर मौजूद थे उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि उस समय इन धमाकों को अंजाम दिया गया। तो ईस्टर के मौके पर श्रीलंका दहला है और जब ज्यादा लोग प्रेयर करने के लिए यहाँ पर चर्च में मौजूद थे उसी समय यहाँ पर इन सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, 6 धमाके हुए हैं और इन 6 धमाकों से श्रीलंका जो है वो दहल गया है। आपको बता दें इन 6 धमाकों में दो चर्च को निशाना बनाया गया जबकि इसके अलावा दो होटल्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। और जब प्रेयर यहां पर की जा रही थी ईस्टर के पर्व पर उस समय यहां पर इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। 80 लोग अभी तक बताए गए हैं, हालांकि स्पष्ट आंकड़ा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो कोलंबो और श्रीलंका के कई इलाकों में ये धमाके हुए हैं, ईस्टर पर्व के दौरान इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। 6 धमाके बताए जा रहे हैं जिनमें दो होटल भी शामिल है जिनमें इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जो है वो राहत के काम में लगा हुआ है ताकि लोगों को जल्द से जल्द यहां पर से निकाला जाए, कैजुअल्टी ज्यादा ना हो, इसीलिए लगातार एम्बुलेंसेज जो है वो लगी हुई है और फटाफट से अस्पताल ले जाने का काम यहाँ पर से लोगों को किया जा रहा है। लेकिन
इन धमाकों के बाद पूरा श्रीलंका दहला हुआ नजर आ रहा है। ये तो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ी भीड़ यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जो धमाके हुए उसके बाद से अफरा तफरी भी एक तरीके से देखने को मिली है। और चर्च में, क्योंकि प्रेयर का समय था, काफी तादाद में यहां पर लोग थे, प्रेयर करने के लिए पहुंचे थे, ईस्टर पर्व था, तो उसको देखते हुए भीड़ जो थी वो और ज्यादा यहां पर थी चर्च के अंदर। और उसी समय ठीक ये धमाके होते हैं। इसके बाद और अनिल इस वक्त हमारे साथ है, डिप्लोमेट है अनिल, बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, यहां पर अगर इन धमाकों की बात कर ली जाए, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, ईस्टर पर्व पर हुए हैं, क्या कह सकते हैं इन धमाकों को देखकर हम? देखिए, ये किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम है और मैं समझता हूँ कि कुछ समय में जिनका ये उद्देश्य था जी, वो एक वहाँ की जो हार्मनी है या जो वहाँ का शांति है श्रीलंका में, उसको ध्वस्त करने की कोशिश है। खासतौर से कि आज ईस्टर के दिन और चर्चेज में ये अटैक हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं और किसी माने जाने जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आईएसआई हो कोई हो, उनके माध्यम से ऐसा लगता है, जिस तरह की उन्होंने ये बयान इसको वो किया है जी। अनिल जी, ये कहा जा सकता है क्योंकि ईस्टर का पर्व था, ज्यादा लोग प्रेयर करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो जानकर इसी समय धमाके कराए गए हैं ताकि ज्यादा कैजुअलिटीज हो सके, ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर लोगों को पहुंचे, एक सोची समझी साजिश के तहत। बिल्कुल, ये तो है ही है, तो साफ जाहिर है कि ये लोग जो हैं वही चाहते हैं कि उनका एक जो जिस तरह से आप देखें ना, हाँ, कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं जी, और होटल में हुए या जो चर्चेज में हुए वहां पे काफी सारे लोग हैं, जहां तक रिपोर्ट है कि 70-80 लोग घायल हो गए हैं, वो कुछ डेथ भी हुई है अनफॉर्चुनेटली, और हम इसको कंडेम करना चाहिए जी। और भारत हमेशा से श्रीलंका के साथ और अपने सारे नेबर्स के साथ में खड़ा हुआ है इस लड़ाई में आतंक की, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें होना चाहिए, सहयोग बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये एक एक कंट्री को इस तरह की चीजें सहन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम, एक तरीके से अब जितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि इसमें दो होटल्स भी मौजूद हैं, दो चर्च भी मौजूद हैं, और काफी लोगों को नुकसान हुआ है, 80 का आंकड़ा भी बताया जा रहा है जो लोग घायल हैं, हालांकि धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 6 ब्लास्ट लगातार यहाँ पर हुए हैं। इकोनॉमिकली कितना पीछे और श्रीलंका जाएगा यहाँ पर से इतने ब्लास्ट के बाद? देखिए, ये अभी एक्चुअली क्योंकि इनिशियल खबरें हैं तो असली बात तो थोड़े दिन बाद ही पता लगेगी या थोड़ा आज शाम तक पता लगेगी, लेकिन इस सबसे श्रीलंका देखिए आजकल अपने आप टूरिज्म में बड़ा प्रमोट कर रहा है, अपने आप को एज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन काफी अच्छा वो कर रहे हैं, और उन्होंने थोड़े दिन पहले उनके यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी लेकिन उसको भी किसी तरह से उन्होंने सुधार लिया अपना, तो एक मुल्क आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे ठीक तरह से, तो उसको इस तरह में परेशानी तो होती है, लोग जो टूरिस्ट होते हैं, दूसरे ग्रुप्स हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी, यूरोपियन टूरिस्ट जो आते हैं वहां पे काफी मात्रा में, उसमें थोड़ा सा तो फर्क आएगा ही जरूर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम भारत उनके साथ है और हम लोग सब मिलजुल करके इसका सामना करना चाहिए, और भारत पूरी तरह से सक्षम है और उनको पूरी तरह से मदद करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिल जी ये कहा जाए, भारत के संबंध अगर श्रीलंका के साथ हम जानना चाहें आपसे, तो फिलहाल इन संबंधों की बात करी जाए तो किस तरीके संबंध है भारत, हालांकि यहाँ पर खड़ा रहेगा श्रीलंका के साथ इस दुख की घड़ी में? देखिए, हमारे श्रीलंका के और हमारे सारे ही नेबर्स को, एक को छोड़ करके हमारे सारे नेबर्स के साथ में रिश्ते काफी अच्छे हैं, कई बार आप उसको एक जीरो सम गेम की तरह देखते हैं, बहुत से लोग चाइना के साथ चला गया तो इधर ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी सब जानते हैं कि भारत का जो उनके साथ उद्देश्य है वो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए साथ है, उसमें सिर्फ हम यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है उनसे कि कोई ऐसा काम वहां से ना हो जिससे कि भारत के जो जो क्रूशल इंटरेस्ट हैं, जो वाइटल इंटरेस्ट हैं, उस पर कोई नुकसान आए, इससे ज्यादा हम उन लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, हम उनको यूनिलैटरल कंसेशंस भी देते हैं, अपने सारे नेबर्स को उनको असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल भी, अदरवाइज टेक्निकल असिस्टेंस, हर तरह का इंडिया देने को तैयार है और देता रहा है, इसी तरह से ये नेशनल डिजास्टर्स होते हैं या ये आपका टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म सबसे बड़ा एक मेजर मुद्दा है जिसमें बिल्कुल टेररिज्म के साथ कहीं ना कहीं टेररिज्म लड़ने के लिए भारत जो है वो हमेशा खड़ा रहता है, और इस दुख की घड़ी में भी श्रीलंका के साथ भारत खड़ा रहेगा, बिल्कुल साथ है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।